उत्तराखंड की धामी सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन विकास, व्यवसाय जैसी विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट से इस संबंध में सुझाव दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट संवाद के लिए एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनता से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए हैं। बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बजट को जनता के सुझावों के आधार और जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत जरूरी है। जनता की आकांक्षाओं और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए जनसंवाद बजट निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे नेम्बर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन, जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं, अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसलिए आप सभी लोग अपने सुझाव आगे भी दे सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और इस वर्ष फिर से शुरुआत की है। मुख्य सेवक सदन है ये, और इसमें जो पिछली बार आए थे उनका भी स्वागत है, जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।